Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel, Press Vlogs. My name is Shiraz Ahmed. आज की जो वीडियो है और आज का जो रिव्यू है वो दो गाड़ियों का है, हमारा जो रेवो रोको और रेवो GRS, दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा और क्या क्या इनमें एडिशन हुई थी रेवो GRS में, उसके बारे में बताऊंगा। इस पैक के अंदर चाबियां हैं तो लेके चलते हैं, पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं दोनों, तो उनके ऊपर लेके चलता हूँ और आपको बताते हैं उसमें क्या डिफरेंस आया था। फ्लैगशिप जो अभी चल रहा है वो GRS है, दोनों का कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, आपकी सपोर्ट चाहिए और यही सपोर्ट मेरी लिए होगी कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। ओके, मिलते हैं गाड़ियों के साथ। ओके, वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स फ्रंट। दोनों गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारा GRS में रेवो जो भी आया है और ये रेवो रोको। दोनों गाड़ियों का फ्रंट आपको परफेक्टली नज़र आ रहा है, आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये आ जाती है GRS का फ्रंट। फ्रंट आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी रेडिएटर ग्रिल और इसका जो आपको ये टोयोटा की बैजिंग है काफ़ी वाइड कर दी थी उन्होंने फ्रंट के ऊपर, हनीकॉम इसकी ग्रिल थी रेडिएटर, और इसका फ्रंट से टोटल जो इसका किया था ना बम्पर इन्होंने बॉडी कलर में और शाइनी ब्लैक वो यूज़ किया गया था, ग्लॉसी ब्लैक। और फ्रंट पर ये GR की बैजिंग, LED लाइट्स, प्रोजेक्टेड LED लाइट्स और LED DRL। नीचे आपको फॉग लैम्प कवर्स भी इसके बॉडी कलर में मिलते थे ब्लैक में, और फॉग लैम्प जो है वो LED हैं इसके। फ्रंट पे दो सेंसर पार्किंग, और जैसे इस साइड पे मूव करें ये रेवो रोको है जी, इसका फ्रंट आ जाता है। इसके फ्रंट में आपको काफ़ी चेंजिंग नज़र आ रही होगी उसके बनिस्बत, क्योंकि इसके अंदर सेम ही रखा गया था, ये इसका टोयोटा का एम्बलम रखा गया है और उसका टोयोटा की बैजिंग आपको बता दिए, जैसे टोयोटा की बैजिंग, और ये इसके अंदर क्रोम का यहाँ पर भी यूज़ किया गया, मगर उसके अंदर कोई क्रोम का यूज़ नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा है इसका फ्रंट, कोई क्रोम नहीं यूज़ और टोयोटा का एम्बलम भी नहीं है GRS में। और इसके बम्पर डिफ्यूज़र की बात करें, ये भी इसका ग्लॉसी ग्रे कलर में था, ये नीचे ये वाला ग्लॉसी ग्रे कलर, और इसकी ग्रिल आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल ग्रिल थी, रेडिएटर ग्रिल ये वाली, क्योंकि हनीकॉम ग्रिल जो है ना वो इसके अंदर आई थी GRS के अंदर, ये अपडेट हो गए। उसके बाद इसके फॉग लैम्प कवर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इसके साइड फेंडर एक्सटेंशन के साथ अटैच थे, मगर कलर जो है वो ग्लॉसी ग्रे है। LED फॉग लैम्प थे, सेम लाइट्स, दोनों की लाइट्स जो है ना सेम ही हैं फ्रंट से, DRL सेम और LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स हैं। स्क्रीन की बात करें दोनों की, तो आपको स्क्रीन दोनों की सेम ही मिल जाती है फ्रंट पे, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं है। बम्पर की चेंजिंग है, और बम्पर के अंदर ये है कि डिज़ाइन की चेंजिंग है थोड़ी सी, और इसका जो GR का फ्रंट है ना वो उन्होंने टोटल बॉडी कलर में रखा है, और इसके अंदर कम्बिनेशन रखा है ग्लॉसी ग्रे और मैट ब्लैक का। ये आपको जी ऊपर आपको शॉर्ट पोल एंटीना दोनों का मिल जाता है सेम, और साइड पे साइड की बात करें आपको इसका जो GR का साइड है जो अपडेट हुई है, बॉडी कलर में फेंडर एक्सटेंशन इसकी कर दी थी सेम ही बॉडी के, टोटल बॉडी कलर में आ गया था ये वाला। और जैसे हम इसकी रोको की बात करें, तो रोको की साइड फोल्डिंग और जो साइड फेंडर फोल्डिंग है ना वो आपको मैट ब्लैक में मिल जाती थी, और इसके जो फॉग लैम्प कवर्स हैं वो ग्लॉसी ग्रे के अंदर मिलते हैं। ये था इन दोनों का जो कहते हैं ना कि बॉडी वाइज डिफरेंस, और देखने में जो वाजिया तौर पे डिफरेंस नज़र आता था इनका यही था। इसके बाद जो आपको पीछे लेके चलता हूँ जी, इसके जो पीछे आपका रोलर बार मिल जाता था ना वो भी आपको डिफरेंट है इसके अंदर पेंट के लिहाज से, मतलब कि बॉडी पेंट पर रखा है इसका GR का, टोटल बॉडी पेंट पर इसका जो पीछे आपका रोलर बार ये मिल जाता है ना, ये वाला दिस वन, ये आपको हाथ से भी बता देता हूँ, ये रोलर बार होता है तो इसी के अंदर आता है, वैसे रेवो V के अंदर नहीं आता। और इसका ये आपको इसका भी चेक करवा देता हूँ, इसका कम्बिनेशन में आपको मिल जाता था ग्रे एंड मैट ब्लैक GR, ये रेवो रोको का GR का बॉडी कलर में, और साइड जो इसका व्यू मिरर था इसका बॉडी कलर में आ जाता ऊपर से और नीचे से मैट ब्लैक, और इंडिकेटर सेम। और जैसी रेवो रोको की बात करें, आपको मैट ब्लैक इसका ऊपर से मिल जाता है, नीचे से भी मैट ब्लैक, और मिड में इंडिकेटर। ये है कि मैट ब्लैक का काफ़ी यूज़ किया गया था रेवो रोको के अंदर, GR जो है ना वो टोटल उन्होंने बॉडी कलर में रखा है। ये था जी इसका बाहर से जो मेन चेंजिंग थी ना ये थी, और GR में एक और अपडेट आई थी, इसकी जो शॉक थे ना मोनोट्यूब कर दिए थे उन्होंने, मोनोट्यूब शॉक एब्जॉर्बर पीछे जो इसके, ये इसके अंदर अपडेट हुई थी। उसके बाद ये जो इसके थे वो नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं, आपको बताया कि साइड फेंडर मोल्डिंग वो इसकी मैट ब्लैक में आती है ग्लॉसी ग्रे के कम्बिनेशन में, और इसकी बॉडी कलर में चारों, मतलब के चारों जगह, मतलब चारों टायर्स के ऊपर ये यूज़ की गई है GR की बॉडी कलर में और इसकी मैट ब्लैक में। पीछे जो स्टिकर थी ये 4x4 के वो सेम ही आते हैं दोनों के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये था जी इसका
एक्सटीरियर, अच्छा एक्सटीरियर की बात बता रही था, इसके अंदर जो मेन चेंजिंग हुआ था ना, वो इसके रिम भी चेंज हुए थे अलॉय व्हील, ये इसके जी जीआरके उन्होंने अपडेट कर दिए थे, जो कि स्मोकी ब्लैक में आते हैं, शाइनी स्मोकी ब्लैक कलर में, और इसके जो अंदर कैलिपर है ना, ब्रेक कैलिपर, वो भी इन्होंने रेड कर दिया था जीआर की बैजिंग के साथ, उसके ऊपर प्रॉपर जीआर की बैजिंग दी गई थी, और ये इसका अलॉय व्हील आ गया था चेंज होके स्मोकी ब्लैक कलर में। तो इसके लिहाज से जैसे ही देखते हैं हम रोको की तरफ, रोको के ये आ जाते हैं अलॉय व्हील, इसके अलॉय व्हील उन्होंने ग्लॉसी ब्लैक में रखे थे, और ये इस कट्स में आते हैं, और इसका ब्रेक कैलिपर जो है ना वो नॉर्मली यूज़ किया गया, इसके जो शॉक्स हैं वो भी आपको बताया नॉर्मली थे, और जीआर के अंदर रियर पे जो शॉक्स होते हैं वो मोनोट्यूब कर दिए थे उन्होंने। ये था जी इसका, मैंने कहा कि साइडों पे आपको बता देते हैं, साइड तो होगी थी इसकी गील, आपको रियर पे देके चलता हूँ, रियर के आपको बम्पर और इसके जो कहते हैं ना रियर से चेंजिंग दोनों में, वो आपको सही से बता देते हैं जी। ये पहले रोको को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, रोको का रियर जो था उन्होंने बम्पर रखा था ग्रॉसी ग्रे कलर के अंदर रखा था बम्पर, रियर बम्पर, और मैट ब्लैक प्लास्टिक में, और इसका जो डोर हैंडल था वो काफ़ी वाइड था, जो कि इसके अंदर हाई लेक्स की बैजिंग के साथ और हाई माउंटेड लैंप इसके अंदर ही आ रहा था, ये प्रॉपर उन्होंने काफ़ी वाइड कर दिया था, और पीछे बैजिंग जो वो सेम ही है, LED लाइट्स थी सेम, और ये इसका ट्रंक पीछे से ऐसे लुक देता था। और इसके बाद जैसे हम GRS पे आते हैं, तो GRS की आपको पता चल रहा होगा देखने में काफ़ी उन्होंने हद तक ना सिंपल रखा था इसको, और इसका जो रियर बम्पर है वो ब्लैक कलर में, शाइनी ब्लैक, बॉडी कलर सेम रखा है, मैट ब्लैक प्लास्टिक यूज़ किया गया है, और जीआर की बैजिंग पीछे दी गई थी हाईलैक्स के साथ, और इसका जो ट्रंक ओपनर है और डोर हैंडल है रियर का वो उन्होंने सिंपल ही रखा है मैट ब्लैक में, और ऊपर हाई माउंटेड लैम्प रख दिया था, और पीछे जो बैजिंग है वो सेम ही है। बाकी इसके अलावा जीआर की बैजिंग इसके अंदर जो है ना वो यूज़ हुई थी एक्स्ट्रा, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है ये वाली जीआर की बैजिंग, और रोको के ऊपर प्रॉपर रोको का स्टिकर भी लगा हुआ है, रियर पे देखेंगे ना आप तो ये पीछे इसका ना स्टिकर भी आता था रोको के साथ, जबकि जीआर में ये चीज़ कोई नहीं मिलती आपको, जीआर में आपको सिंपल ही मिल जाता है इसका रियर और ट्रंक जो है वो वाला। ये था जी इसका रियर से व्यू, आपको इंटीरियर पे लेके चलते हैं जी, इंटीरियर चेक करवाते हैं। ओके, आपको पहले रोको का मैं इंटीरियर चेक करवा देता हूँ, रोको के अंदर जो इंटीरियर यूज़ था, मैट ब्लैक इसके हैंडल हैं चारों, और कीलेस एंट्री फीचर इसके अंदर आता है। देन मूव करते हैं इंटीरियर पे, ये इसकी इंटीरियर से लुक आ जाती है जी, ये डोर की लुक है, डोर के ऊपर कंट्रोल ये सब के अंदर सेम ही है, और ये इसका इंटीरियर जो आपको मिल जाता है, फ्रंट सीट आपको ऑटो में मिल जाती है इसके अंदर भी, और इसका लेदर स्टफ यूज़ किया गया था, ब्लैक कलर में इसकी सिर्फ सीटिंग आती है, मतलब कि सीट कलर जो है ब्लैक कलर में आता है, और ये इसका मीटर मिल जाता है, मीटर में मतलब कोई एडिशन नहीं था, कोई चेंजिंग नहीं था, कोई मतलब कि खास चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं थी हुई, ओपिट्रॉन एडवांस मीटर है, और इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसके नीचे डुअल कंट्रोल वो भी सब के अंदर सेम ही है। इंटीरियर पे ये था जी, छत इसका वाइट कलर में आ जाता है, और जो सीट का कलर था वो ब्लैक था, 5 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर, ये इसकी इंटीरियर से लुक आ जाती थी। इसके बाद आपको जीआर चेक करवा देते हैं जी। ओके, रोको का इंटीरियर आपको चेक करवा दिया है, रेवो GRS पे मूव करते हैं, फ्लैगशिप जो हमारा है ये अभी 2.8, और GR की बैजिंग इसके दोनों डोर्स के ऊपर भी मिल जाती है फ्रंट के ऊपर, और मगर इसके अंदर रोको के अंदर आपको ये कोई चीज़ नहीं मिलती, रोको का सिर्फ स्टिकर लगा होता है पीछे की तरफ, और पीछे इसका जो आता है ना ट्रंक एरिया उसके ऊपर लगा होता है ये स्टिकर रोको का, बस यहाँ पर रोको की बैजिंग है और इसका रोलर बार कम्बिनेशन में। और ये इसके ऊपर मूव करते हैं जी, कीलेस एंट्री फीचर इसके अंदर भी है, डोर हैंडल की बात की जाए चारों डोर हैंडल बॉडी कलर में मिल जाते हैं। ओके, ये इसका इंटीरियर लुक आ जाती है, डोर के ऊपर सेम आपको जैसे बताया कि कंट्रोल्स सब के अंदर सेम है, इंटीरियर पे आपको क्रोम हैंडल, और ये जी आर्म रेस्ट और रेड कलर का यूज़ किया गया स्टिचिंग के अंदर। अभी सीट के ऊपर मूव करते हैं, स्टेयरिंग का पहले आपको बता देते हैं जी, लेदर कवर्ड स्टेयरिंग मिल जाता है आपको, GR की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, लेदर के साथ कवर्ड है, वाइट रेड कलर की स्टिचिंग का यूज़ किया गया है इसके अंदर, और यहाँ पे भी आपको रेड कलर का कम्बिनेशन मिल जाता है। और ये मीटर इसका बिल्कुल काफ़ी हद तक चेंज किया गया था, सुइयाँ इसकी रेड कर दी हैं, ओपिट्रॉन मीटर है, एडवांस ओपिट्रॉन मीटर था, मगर ये सुइयाँ रेड कर दी हैं, और प्रॉपर इसको ना स्पोर्टी लुक दे दी थी मीटर को भी रेड कलर को यूज़ करके। और जो इसका पुश स्टार्ट बटन है उसके ऊपर भी आपको GR की बैजिंग मिल जाती है, इसके जो पैडल थे वो भी काफ़ी हद तक उन्होंने चेंज किए हैं, उसको कवर्ड कर दिया था प्रीमियम लुक देने के लिए। और सीट की बात की जाए जी, सीट आपको फ्रंट जो है जैसे उसके अंदर आपको ऑटो मिलती है, इसके अंदर भी ऑटो मिल जाती है, 8 वेज के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, और सीट जो थी वो प्रीमियम लेदर और फेब्रिकेटेड सीट इसके अंदर यूज़ होती हैं,
मिल गई थी इसके, मतलब इसके अंदर जो चेंजिंग आई थी ना, परफेक्टेड सीट आ गई हैं और प्रीमियम लेदर के अंदर, जबकि रोको के अंदर देखा जाए तो सिंपल सीट मिलती थी आपको। यहाँ पे आपको कम्बिनेशन मिल जाता है इसके अंदर, ये आपको रेड कलर का कम्बिनेशन इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि रेड और ब्लैक इनको इसको कम्बिनेशन रखा था जीआर को स्पोर्टी लुक देने के लिए। हेडरेस्ट के अंदर भी एम्ब्रॉयडरी के अंदर आपको जीआर की बैजिंग मिल जाती है, उस साइड पर भी जीआर की एम्ब्रॉयडरी के अंदर बैजिंग मिल जाती है। पीछे पीछे भी तीन पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, और कम्बिनेशन आपको फ्रंट सीट के अंदर मिल जाता है इसका रेड और ब्लैक कम्बिनेशन। ये इसके अंदर मेन चेंजिंग आई थी, और इसका जो इंटीरियर है उन्होंने बोल्ड कर दिया था ब्लैक बोल्ड में, मतलब कि काफ़ी बोल्ड लगता था ब्लैक कलर, और ये यूज़ किया गया इसकी छत के अंदर भी और इसकी सीट्स के अंदर कम्बिनेशन रखा था। ये जो इसके अंदर मेन चेंजिंग आई थी, परफोरेटेड सीट, प्रीमियम लेदर और रेड कलर की स्टिचिंग, ये डिफरेंस आ गया था इसके अंदर। इसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, यह भी इसका चेंज था बिल्कुल, क्योंकि आपको जैसे चेक कराया रेवो रोको का वो सेम ही आ रहा है, रेवो वी वाला, इसके अंदर ये चेंज हुआ था, उन्होंने इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम को चेंज कर दिया था। नीचे डुअल कंट्रोल एसी सेम ही है, बाकी गियर एरिया और इसके जो ऑप्शंस वगैरह वो सारे सेम ही हैं। तो ये था जी हमारा रेवो जीआरएस और रेवो रोको, जो आपको दोनों मैंने चेक करवा दिए हैं पूरी ट्रेल के साथ, जो इनके अंदर चेंजिंग थी और जो इनका डिफरेंस बनता था वो आपको चेक करवा दिया। बाकी वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।